नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन चौधरी। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल किसान ट्यूबर पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे 100 सोनाली मुर्गी फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और आप उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि सोनाली मुर्गी का फार्मिंग स्टार्ट करोगे, तो दोस्तों मैं आपको जो है 100 बर्ड्स के हिसाब से आज कैलकुलेशन करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जो है जितना फार्मिंग, जितना भी बर्ड्स के फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन अपना कर लेना। और सबसे पहले एक मेन बात जो है दोस्तों, अगर आप सोनाली मुर्गी का फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपको इस ब्रीड के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, तो इस उसके ऊपर जो है सोनाली मुर्गी के ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल पे, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले उसको जो है देख लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि सोनाली मुर्गी क्या है और कितना अंडा देती है, कितना मीट प्रोडक्शन करती है, कितना वेट गेन करती है। तो ये सब सारी डिटेल्स नॉलेज आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुर्गी पालन में सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको चाहिए होगा दोस्तों, वह है जगह का ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास जगह है और अगर आपके पास घर टाइप का कोई खाली घर पड़ा हुआ है, तो उसमें भी जो है आप 100 बर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा मुर्गी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जो है हर टाइप का बना सकते हो, केज टाइप का बना के आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जगह नहीं है, तो दोस्तों आप कम जगह पर भी इसको पाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक छोटा सा घर चाहिए होगा, जबकि जब आप ब्रूडिंग करोगे उस टाइम जो है आपको उस टाइम एक घर में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो उस टाइम के लिए जो है थोड़ा जगह चाहिए होता है। फिर जब दोस्तों मुर्गियाँ 20 दिन के ऊपर हो जाती है, तो आप जो है उसके बाद इसको फ्री रेंज में पाल सकते हो, फ्री एरिया में पाल सकते हो। अगर आप घर बनाना चाहते हो, हर्ड बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप 100 मुर्गी के लिए जो है 150 फीट जगह चाहिए होगा, मतलब 100 मुर्गी अगर पालन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए 150 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होगा। तो दोस्तों, ये सब जो है घर बनाने का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट का खर्चा, ये सब के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इस वीडियो में मैं बस चिक्स से लेके हार्वेस्टिंग तक जो खर्चा आएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, वो सब चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिक्स के प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों, जो चिक्स का प्राइस होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, या तो हर एक सीज़न में अलग अलग होता है, मतलब कोई कोई सीज़न में कम, कोई कोई सीज़न में ज़्यादा, अप एंड डाउन करते रहता है। तो अगर हम लोग एक एवरेज चिक्स के प्राइस बात करेंगे दोस्तों, तो 35 रुपया जो है आपको एक चिक्स का प्राइस पड़ जाएगा, मतलब 35 रुपये के आसपास तक जो है आपको चिक्स ईजिली मार्केट से मिल जाएगा। ये जो 35 रुपया दोस्तों, ये हो सकता है आपको कम में भी मिल जाए और हो सकता है आपको ज़्यादा भी पड़ जाए। तो अगर हम लोग 100 चिक्स ले रहे दोस्तों, तो 100 × 35 मतलब 3,500 रुपया जो है हमें चिक्स का खर्चा आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं इसके मॉर्टेलिटी के बारे में। तो अगर आप 100 चिक्स ला रहे हो, अगर बाय चांस आपको 5 चिक्स का जो है मॉर्टेलिटी देखने को मिल गया, तो दोस्तों फिर भी जो है आपको 95 चिक्स जो है आपके फार्म में प्रेजेंट जिंदा रहेगा। ये एक एवरेज है दोस्तों, मॉर्टेलिटी ज़्यादा देखने को नहीं वो मिलता है, क्योंकि ये देसी मुर्गी है। अगर आप सही से मैनेजमेंट कर दिए, सही से ब्रूडिंग का सिस्टम जो भी होता है अगर सही से मैनेजमेंट कर दिए दोस्तों, तो मॉर्टेलिटी आपको 0 भी देखने को मिल सकता है। फिर भी हम लोग दोस्तों जो है 5% मतलब 5 जो है चिक्स का मॉर्टेलिटी पकड़ लिए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीड कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो सोनाली मुर्गी होती है वो 1.5 किलो वेट गेन करने के लिए लगभग 3 किलो 100 से लेके 3.5 किलो तक जो है फीड खा लेती है। तो दोस्तों, जो ये जो फीड का कॉस्ट है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है सोनाली मुर्गी को 1.5 किलो तक बनाने के लिए आप मार्केट का फीड सिर्फ यूज़ कर रहे हो कि घर का बनाया हुआ फीड यूज़ कर रहे हो। सिर्फ अगर आप मार्केट का फीड यूज़ करोगे दोस्तों, तो मार्केट का फीड जो आता है 1 किलो का 30 रुपया पर किलो के हिसाब से आपको पड़ जाएगा। तो अगर एक मुर्गी दोस्तों 3.5 किलो फीड खाती है 1.5 किलो वेट गेन करने में, दोस्तों हमारे पास जो है 95 बर्ड्स है, तो सारे मिलके लगभग 332 केजी फीड खाएगी 1.5 किलो वेट गेन करने के लिए, एक मुर्गिया 1.5 किलो वेट गेन करने के लिए। तो दोस्तों 332 × 30 मतलब 30 रुपया करके अगर पर किलो के हिसाब से हमें फीड मिल रहा है, तो 332 × 30 मतलब 9,960 रुपया का हमारा जो फीड कॉस्ट है 1.5 किलो वेट गेन कराने के लिए लग जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फीड का कॉस्ट है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप सिर्फ बाजार का फीड खिलाओगे, तो इतना रुपया जो है फीड का कॉस्ट आ जाएगा। और अगर आप इस कॉस्ट को कम करना चाहते हो, अगर इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहते हो कॉस्ट को, तो दोस्तों आप जो है घर का फीड बना के अपने मुर्गी को खिला सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन और मेडिसिन के बारे में।
तो दोस्तों अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो वैक्सीन मेडिसिन का जो है खर्चा आपको लगेगा। जब आप एक इकट्ठा ज़्यादा मुर्गी पाल रहे हो तो उसमें डिजीज़ लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक मुर्गी अगर इफेक्टेड हो जाता है तो साथ में और भी कई सारे इफेक्टेड हो जाता है, ऐसे करके पूरा फार्म में जो है डिजीज़ फैल जाता है। तो इसके कारण जो है हमें जो वैक्सीन और मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो अगर हम लोग 100 बर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोस्तों हमारे हमें लगभग 300 रुपया जो है वैक्सीन मेडिसिन का खर्चा आ जाएगा 100 बर्ड्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट खर्चा जो है दोस्तों बिजली बिल का, क्योंकि दोस्तों फार्म में जब आप ब्रूडिंग करोगे तो उस टाइम जो है लाइट बल्ब ये सब जो है ज़रूरी होता है, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग दोस्तों 500 रुपया जो है आपका बिजली बिल का खर्चा आ जाएगा। और दोस्तों लास्ट में जो खर्चा आएगा दोस्तों वो है लीटर मैनेजमेंट का। जैसे आप अगर ब्रूडिंग के टाइम अगर आप नीचे लीटर बिछाते हो तो उसमें भी लगभग दोस्तों आपको 200 रुपया तक खर्चा आ जाएगा 100 बर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों अब हम लोग इसको सारे सब जितना भी खर्चा आया उस सबको कैलकुलेशन कर लेते हैं इकट्ठा और देख लेते हैं हमारा जो है कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो खर्चा हम लोग का आया था दोस्तों वो है वो था चिक्स का, मतलब 100 चिक्स मंगाने के लिए लगभग दोस्तों आपको जो है 3,500 रुपये खर्चा आ गया था। नेक्स्ट दोस्तों आया था वो था फीड का, 332 किलो फीड का दोस्तों आपको खर्चा आया था 9,960 रुपया। तीन नंबर में दोस्तों आया था वैक्सीन और मेडिसिन का दोस्तों लगभग 300 रुपये खर्चा आया था। चार नंबर पे दोस्तों आया जो बिजली बिल का खर्चा आया था वो था 500 रुपया, और लास्ट में दोस्तों जो आया था लीटर मैनेजमेंट उसका 200 रुपया। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो है 14,460 रुपया। अब फाइनल हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे जो 14,460 रुपया खर्चा हुआ और इसमें से हम लोग का कितना प्रॉफिट आएगा। तो हमारे फार्म में जो मुर्गियाँ थी हम लोग जो मुर्गियाँ लाए थे 100 मुर्गियाँ, जिनमें से 5 मुर्गियाँ का मौत हो गया था, मतलब मॉर्टेलिटी हो गया था। हमारे पास 95 जो मुर्गियाँ थी वो बच गया था फार्म में। तो हमारे पास जो मुर्गियाँ 1.5 किलो वेट, मतलब हर एक मुर्गियाँ 1.5 किलो का हो गया है, वो लगभग दोस्तों 75 से लेकर 80 दिन के अंदर में हो गया है हर एक मुर्गियाँ 1.5 किलो तक। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे मार्केटिंग में देख लेते हैं कितना हम लोग को पर किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो दोस्तों जो मार्केटिंग प्राइस है मीट का वो डिपेंड करता है अलग अलग मार्केट में अलग अलग, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते रहता है। तो लगभग 200 से लेकर 320 के अंदर जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग एक एवरेज पकड़ लेते हैं दोस्तों पर किलो के हिसाब से, तो 250 रुपया पर किलो के हिसाब से हम लोग एवरेज जो है मीट का प्राइस पकड़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि एक मुर्गिया 1.5 किलो का हमारे फार्म में हो गया है, तो हमारे पास जो है 95 बर्ड्स है, तो 95 × 1.5 किलो मतलब टोटल जो मीट का प्रोडक्शन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 142, मतलब 142 kg टोटल मीट का प्रोडक्शन आ रहा है 95 बर्ड्स से। तो अब दोस्तों जो मैंने पहले बताया था कि 250 रुपया पर किलो के हिसाब से हम लोग एवरेज पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आया दोस्तों 142 kg, तो 142 kg × 250 रुपया पर किलो के हिसाब से, तो हमारे पास टोटल जो पैसा आ रहा है मीट बेच के वो आ रहा है 35,500 रुपया। तो दोस्तों ये जो 35,500 आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट आया था वो आया था 14,460 रुपया। अब हम लोग करेंगे इसको 35,000 से माइनस, मतलब टोटल प्रोडक्शन जो 35,500 आया उसके साथ 14,460 माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा पैसा वो आएगा प्रॉफिट निकल के। तो दोस्तों ये सबको माइनस करके हमें जो मिल रहा है वो 21,040 रुपया मिल रहा है, ये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट है। ये जो नेट प्रॉफिट 21,040 रुपया मिल रहा है दोस्तों ये आपको सिर्फ और सिर्फ 75 से लेकर 80 दिन के अंदर में मिल रहा है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसा फीड खिला रहे हो, अगर सिर्फ बाजार का फीड खिला रहे हो तो दोस्तों इतने दिन में इतना प्रॉफिट आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, ये गारंटी है। और दोस्तों अगर आप घर का बनाया हुआ फीड खिला रहे हो तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो फीड का खर्चा है वो आपका पूरा का पूरा बच जाएगा। और दोस्तों जो प्रॉफिट आ रहा है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि आप उसको कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, कितना मॉर्टेलिटी आपके फार्म में हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही से सब कुछ मेंटेन कर लिए तो प्रॉफिट जो है आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो दोस्तों बस ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा जय किसान।